ग्रामीण मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए तो क्या करें, क्योंकि नेताओं के दरबार में जाते जाते इन ग्रामीणों की चप्पल तक घिस गई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अधिकारी तक के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हाथ लगी बस निराशा, जिसके बाद इन ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ा और प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े। क्या बोले, हमें रोड चाहिए, रास्ता चाहिए, हमारे बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं, और दोनों तरफ हमारी खेती है, हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे स्कूल, कैसे जाएंगे हमारे बच्चे, घर बैठे सब रास्ता के लिए, रोड पर जाना नहीं देखे, और आता है ना प्रशासन से डरा देते हमको, हमको रोड चाहिए, हमको रास्ता चाहिए बढ़िया। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर ग्रामीणों ने सर्विस रोड की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जहां बांदीकुई के अनंतवाड़ा, ढेड़ा के ढाणी के ग्रामीण महिला पुरुष और बच्चे सड़क पर उतर आए। दरअसल एनएच तो बना दिया गया, लेकिन जो वादा गांव को सड़क से जोड़ने का किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। मुख्यालय से वो ग्रेवल रोड हो रही थी, उसको इसे एनएचआई वालों ने रोड के नीचे दबा दिया है, और पहले हमसे मकान फोड़ने से पहले हमसे ये वादा किया गया कि आपको हम ढाणी तक रास्ता दोनों साइड रास्ते से जोड़ेंगे, परंतु अब रोड बनने के बाद हमको कोई, हम SDM कलेक्टर और CM सबके पास जाके आए, अशोक गहलोत जी के पास जाके आए, सबसे कम हम कोई 20 बार लेटर दे चुके हैं, पर हमारी अब तक एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है, और हमको ये धमकी दी जा रही है कि आपको अगर हमारा हमसे अगर रोड को आप करेंगे तो आपको खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, अगर राज्य कार्य में आप बाधा डालेंगे तो आपका खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमको झूठा आश्वासन देते रहे और अब भी प्रशासन की धमकी दे रहे हैं हमको, अगर हमारा कुछ एक दो दिन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ तो हम एक दो दिन बाद हम SDM कोर्ट जाएंगे और वहाँ धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हमसे बनती हो पाएगा वो सब कुछ करेंगे, हम कोर्ट का घेराव करेंगे और हमको मरने मारने पर उतर आएंगे, अब क्योंकि अब तक तो हम देख रहे हैं कि राजपेटा से कुछ हो जाए तो चाहे हमको किसी के केस लगे, चाहे कुछ भी लगे, चाहे मरना पड़े या मारना पड़े, बाकी हम काम नहीं होने देंगे, अगर लगाएंगे जबरदस्ती तो हम इसको तोड़ फोड़ भी करेंगे, हमसे जो कुछ होगा जो सब कुछ करेंगे हम। और आलम यह है कि गांव को सड़क मिली ही नहीं, अनंतवाड़ा से ढेड़ा की ढाणी के रास्ते को प्रशासन ने NH बनाकर दबा दिया, और आलम यह है कि रास्ते नहीं होने के चलते 70 स्कूली बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे। SDM से लेकर कलेक्टर, जनप्रतिनिधि तक गुहार लगाई, 20 से ज्यादा लेटर दिए, लेकिन अब ये ग्रामीण मुर्दाबाद के नारे लगाने को विवश है और इनके पास कोई और रास्ता ही नहीं, क्योंकि अब तो इन ग्रामीणों को धमकी दी जा रही है, अगर सरकारी काम में बाधा बने, रुकावट बने तो कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है? रोड की समस्या है, अंतवाड़ा से दहेड़ा ढाणी के लिए बोर्ड लगा हुआ है रास्ता का, अदरेगा से काम हुआ है, उसको हमारे को रोड में दबा लिया गया है मंत्री द्वारा पंचायत का, दहेड़ा ढाणी पर 70 बच्चे 12वीं 1 से कक्षा 12वीं तक की स्कूल में जाते हैं, वो सारे यहीं पर हैं, उनकी छुट्टी हो गई है, वो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, हमारी कोई समस्या नहीं सुनी है, हम खटाना जी पास गए, हमने SI वालों को भी दिया, हमने सब जगह लेटर दिया, हमारी जूतियां घस गई है, डोलते डोलते हमारी कोई सुनावनी नहीं हुई है, अशोक गहलोत के पास भी गया, वहाँ भी गए, CM जी के पास भी, उन्होंने भी लेटर भेजा, और कलेक्टर साहब ने बांदीकुई भेजा, बांदीकुई से सबने देख कर वापस कर दिया, हमारी कोई सुनावनी नहीं हो रही है। SDM साहब के पास हाँ, सबके पास जाते हैं रोज, और जाके आ जाते हैं, हमारे बच्चे घर बैठे हैं, 70 बच्चे हैं, क्या करें हमें, कर दिया गया है, जाने के लिए रास्ता नहीं है, हमें आते हैं प्रशासन वाले और SCC कंपनी वाले जो आके धमकी दे जाते हैं, और कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है, और हमें ऐसे में ग्रामीण अब सर्विस रोड की मांग को लेकर भूख हड़ताल करने से लेकर धरना तक की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस गांव को सड़क मिलेगी या नहीं, या फिर ऐसे ही एक ग्रामीण सड़क पर बस मुर्दाबाद के नारे लगाते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। गुलाबी टाइम्स के लिए राजस्थान के बांदीकुई से अमरचंद बैरवा की रिपोर्ट।